हेलो, मैं हूँ सान्या मल्होत्रा और मेरी फिल्म बधाई होकर ट्रेलर आया है, तो प्लीज़ जाओ और देखो। बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये तीन बहुत ही बेहतरीन फिल्म करने का मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स और बहुत ही अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही मज़ेदार जर्नी है जो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैं बहुत इंस्टिंक्ट पे काम करती हूँ। जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या सुनती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कैरेक्टर में इमेजिन कर सकती हूँ तो मैं इमीडिएटली हाँ कर देती हूँ। और सिमिलरली जब मैंने बधाई हो सुनी तो मैं करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि आप जैसे ट्रेलर से देखेंगे इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स हैं, तो अगर आप इस फिल्म का नई पार्ट बनोगे तो फिर कैसी फिल्मों का बनोगे? तो मुझे इसलिए जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी फिल्म करनी ही चाहिए। अगर मैं अपना आपको इमेजिन कर सकती हूँ किसी रोल में तो मुझे लगता है फिर मैं निभा भी सकती हूँ। मुझे पता नहीं अभी फिल्म देख के पता चलेगा कितना अच्छा किया कितना बुरा। दादी बोलती है कि अब न्यू पता चला है कि बहू का बटन काहे टूटा करता था सुबह सुबह, तो वो बहुत फनी मेरे लिए है। और बाकी तो गजराज जी जब स्क्रीन पर आते हैं तो वो तो मेरे लिए आई थिंक इज़ अ वंडरफुल एक्टर। नीना जी जब स्क्रीन पे आती हैं, सुरेखा जी जब स्क्रीन पे आती हैं, जब इतने सारे अच्छे एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हो ना, तो मतलब बहुत ही लकी हूँ मैं। इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मेरे को पता चला कि मैं आयुष्मान के साथ फिल्म करने वाली हूँ। और मेरे लिए मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी, स्पेशली पोस्ट दंगल, क्योंकि हम लोग मैंने उनकी फिल्म देखी शुभ मंगल सावधान और बरेली की बर्फी, तो उसके बाद मैंने आई रिमेंबर टेलिंग हिम कि मुझे आपके साथ काम करना है। एंड मैन आई गॉट टू नो कि मैं बधाइयों में इनके साथ काम करने वाली हूँ, तो सबसे पहला कॉल मेरा अपार शक्ति को गया जो आयुष्मान के भाई हैं, और हम दोनों ने दंगल में काम किया था, वो हमारे भाई बने थे, ओमकार बने थे दंगल में। तो मैंने उनको इमिजिएटली कॉल किया कि आई एम डूइंग अ फिल्म विद आयुष्मान और मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो आई एम रियली ग्लैड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो बहुत ही अच्छे एक्टर ही नहीं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े ही पॉजिटिव एनर्जी है उनकी सेट पर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है काम के वक्त।